अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं। 2 कप खुश्क दूध, 2 खाने का चम्मच मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 अंडे, 4-5 छोटी इलायची, 2 चम्मच ऑयल और 1 कप चीनी। अभी सबसे पहले मैं शीरा तैयार करूँगी। आइए पहले शीरा तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शीरा तैयार कर रही हूँ। पहले मैं कढ़ाई में चीनी डालूंगी और 1 कप पानी डालूंगी और ये छोटी इलायची को मैंने बीच से चाक कर लिया है, ये डाल के इसका शीरा बनाएंगे। और मैं 2-4 कतरे लेमन के भी डालूंगी ताकि ये चीनी जमे ना। इसका शीरा तैयार करेंगे, चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी पिघल ना जाए। ये देखें, शीरा बिल्कुल डन है। अब यहाँ पे मैं आंच को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और आगे दूसरा काम शुरू करूंगी। इसको मैंने स्लो आंच पे रख दिया है, ये देखें। अब मैं यहाँ पे खुश्क दूध में मैदा ऐड करूंगी, ये 2 चम्मच है, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, तेल 2 चम्मच, आप बटर भी ले सकते हैं, और अंडे 2 अदद। अब इन सबको मुझे हाथों से गूंदना है। इसको बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूंदना है, सिर्फ मिक्स करना है। पहले आप अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें, धो लें, उसके बाद इस्तेमाल करें हाथ का। ये देखिए, मैंने दूध को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए, अब मैं बॉल्स बनाना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आप अपने हाथों पे ऑयल लगा लें और छोटे छोटे बॉल्स बनाना शुरू करें। बॉल्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और इसको सख्त हाथों से बिल्कुल गोल गोल आप बनाएं। ये क्रैक भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैं बना रही हूँ। बिल्कुल ऐसे शाइन करते हुए बॉल्स आप बना लें। पहले आप इसको सख्त हाथों से करें, उसके बाद इसको नरम हाथों से गोल कर लें। ये देखें, कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल को ज़्यादा गरम नहीं करेंगे वरना गुलाब जामुन जल जाएंगे। इसको मैंने बहुत ही हल्का गरम किया है और मैं ये सारे गुलाब जामुन इसमें डाल दूंगी एक एक करके। एक साइड से डालें। आंच को बिल्कुल स्लो रखना है, थोड़ी देर में ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे फूल कर। ये देखें, गुलाब जामुन फूलना शुरू हो गए हैं, इसमें कलर भी आना शुरू हो गया है। मैं इसको पलट पलट के इधर उधर से फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, गुलाब जामुन बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। ये फ्राई होने वाले हैं, बस और 4-5 मिनट लगेंगे इसको। मीडियम आंच पे मैं इसको कर रही हूँ। अब देखें, गुलाब जामुन बिल्कुल डन है। अब इसको मैं ऑयल से निकाल के शीरे में डालूंगी और शीरे में कम से कम आधा घंटा तो रहेगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे। पहले मैं सबको निकाल लूँगी। ये देखें, अब इसको मैं शीरे में डालूँगी। डाल के ऐसे मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें। सही से मिक्स कर दें, शीरा हर तरफ से इसमें जज्ब हो जाए। ये मज़ेदार गुलाब जामुन तैयार है। इसे बनाएं, ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।